ये पुत्र तू भी जाना जाके नाच। नहीं बीजी मैं ठीक हूँ। अरे ठीक कैसे है, जरा सा नाच लेगी तो क्या आसमान टूट जाएगा? रणविजय पुत्र जी आपको रद्दा वास्ता समझ जी पुत्र ये तू भी ले जाना नाचने के वास्ते। हाँ हाँ निमो गीत को भी ना जाना चला के प्रीतम बुरा में जश्न होता कैसे है। अच्छा अच्छा जल्दी अम्मा जी गीत तो मेरा हर काम बिगाड़ने के लिए ही बनी है। पड़े इस गीत ने रणवी की बाहों में गिरना था क्या? कि तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था एकदम? हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन पता नहीं मैं गिरी कैसे। पुत्र मेरी गलती है, तू मेरा पैर फिसल गया ना इसी वास्ते तेनू धक्का लग गया। ठीक होना चाहिए। हाँ कोई नहीं होता रहता। अरे ढोल के बनके बजाओ ना। दीपू पुत्र आइसक्रीम खा रही हो? हाँ ये मेरी चौथी आइसक्रीम है। अच्छा जानते हो पुत्र जब आप छोटे थे ना तो आपके पापा जी आपके लिए रोज आइसक्रीम लाते थे, आपके लिए रोज नए कपड़े नए खिलौने भी लाते थे। काश आज आपके पापा जी होते तो आपके लिए रोज नए कपड़े और नए खिलौने लाते। पर क्यों दादी साबु है ना, लुधियाना में साबु ने मेनू 3 नए कपड़े और 4 खिलौने दिलाए। अच्छा तेरा साबु तेरे से बहुत प्यार करता है ना, बिल्कुल तेरे पापा जी की तरह। अच्छा है पुत्र, वैसे पता है बहुत बार नए पापा जी ना बड़े गंदे होते हैं। नए पापा? हाँ पुत्र, अब तेरा साबू तेरी बीजी के साथ कितना वक्त गुजारता है, दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। बहुत जल्द तेरा साबू तेरा नया पापा हो जाएगा, तेनू बहुत अच्छा लगेगा है ना टीपू। तू यहाँ बैठी है, तेरी पीछे तेरे को देख रही है, देख कब से, जा उधर। वो रतन बहन जी मैं तो दीपू नु बता रही थी कि रणविजय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की मेरे बेटे को उसकी बीवी से अलग कर दोगे? मीरा के कहने पर ही बलदेव ने आपको घर पे रखा था ना, भूल गए या उसी बात का बदला ले रहे हो? मीरा के ही भाई का घर उजाड़ के अब ऐसा लग रहा है कि बलदेव ने तभी घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। और शर्म नहीं आती? कैसी बातें डाल रहे थे बच्चे के दिमाग में, छोटी है वो अभी। अब क्या कहना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो ना अब समझ में आ रहा है। मैं मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं है मेरे बच्चों की जिंदगी में जहर घोलने की।
अगली बार अगर मैंने आपको ऐसे कुछ करते हुए देखा या कहते हुए भी सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये वादा है रतन का। साथियों और जरा एक बार यहाँ ध्यान दो, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि आप सबकी फसल की बोरियां गोदाम में रख दी गई हैं और किसने कितनी फसल दी है उसे खाते में चढ़ा दिया गया। कल सवेरे गोदाम से ट्रक मंडी जाएंगे तो वहां पे आप सब अपना अनाज बेच के उससे जो कमाई आए अपने पास रख पाओगे। आपको बहुत नाज हो रहा होगा ना अपनी बेजी पर, उनके वजह से आज ये सब कुछ हो पाया। सिर्फ बीजी पे ही नहीं, मुझे धीरा और बलदेव पे भी बहुत नाज है, बहुत फख्र महसूस हो रहा है मुझे। आज जो कुछ भी है वो उनके बिना मुमकिन नहीं होता। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, फिरा कितनी अच्छी है, सबके बारे में कितना कुछ सोचती है। आखिर बहन किसकी है? गुंजन क्या हुआ तेनू है? तारा पिंड में जश्न मना रहे, तू अकेली क्यों खड़ी है? गुंजन क्या हुआ, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो रणवी के साथ नाच गा रही थी अच्छे से, अचानक से क्या हुआ? बोल गुंजन। सीर जी बलदेव जो यहाँ है, वीरा तक ढूंढ रही थी। बहुत जरूरी है, तू जाना, मैं इसे लेकर आती हूँ। अरे बीजी ये नहीं आने वाली है, चुपके खड़ी है यहाँ पे। बोल रही हूँ ना लेकर आऊंगी, तेरी बीजी किसो, तू जाना। एक बात में जो बात है तुम्हें बतानी पड़ेगी समझी। बीजी मैंने बीजी को कुछ नहीं बताया। जानती हूँ पत्थर, पर अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके बाद तुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं माफ कर दी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। पीछे आप क्या कह रहे हैं? पीछे माफी क्यों मांग रहे हो मुझसे? क्योंकि मैंने तुझ पे यकीन नहीं किया, यही सोचती रही कि तूने फालतू का वहम पाल लिया अपने मन में, पर अब मैंने सच पता चल गया। क्या बीजी? कि रणवीर और गीत के बीच में? नहीं नहीं पुत्र, वो नहीं, ऐसा नहीं है। रणवीर बेकसूर है और गीत भी, और पुत्र तू भी बेकसूर है। गीत और रणवीर के बीच में ना कुछ था ना कुछ है और कभी कभी कुछ हो ही नहीं सकता। रणवीर तुझसे बहुत प्यार करता है, कुछ लोग जानबूझ के तुम दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी कर रहे हैं। कौन लोग बीजी? जाने दे, तू वो मत सोच। नहीं बताऊंगा। नहीं बस इतना समझ ले कि तू जो कुछ भी महसूस कर रही थी ना वो इसलिए हो रहा था क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर तेरे मन में ना शक का बीज बो रहे हैं और ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ना जिससे तू परेशान हो जाए और रणवीर से दूर चली जाए। पर मैं वादा करती हूँ तुझसे, मैं इन लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगी गुंजन, मैं नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए तेरे और रणवीर के बीच ये सब नहीं होगा। तुम दोनों के रिश्ते को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, मैं हूं ना। पर पुत्र तू अपने मन से ये वहम निकाल दे, एकदम से निकाल दे। इतना मान ले कि तेरे और रणवीर के बीच कोई और नहीं आ सकता। पीछे आप नहीं जानते मैंने कितना सुकून मिला है आपकी बातें सुनकर, कितना चैन मिला ये सोचकर कि जब तक आप हैं तब तक मेरे और रणवीर के बीच में कोई नहीं आ सकता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।